मुक्ता मुक्तैक रूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, तीन कमलों करोड़ मुनि महाराजों की। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम् क्रमाद्धेतु फलावहा योग्रायोग्रायनाद्य नन्तास्तुत्पत्ति वियात्मका ज्ञान पूर्वा ज्ञानाद्भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वा परिभूतं सोयमात्मेति कीर्तिता प्रमेयत्वादि विधर्मै रचितात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका स्वदे प्रमिताश्चायम् ज्ञान मात्रोपि नैव सा तथा सर्वगताश्चायम् विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावात्वा देको नेकोपि नैव सा चेत चेतनैका स्वभावात्वे त्वादेकानेकात्मको भवेत् सवक्तव्या स्वरूपाद्यै निर्वाच्या परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सस्याद विधि निषेधात्मा सौधर्मो परधर्मयो समूर्ति बोध मूर्तित्वा दमूर्तश्चैव विपर्यात् इत्यादेक धर्मतम बंध मोक्षयुतयो फलम् आत्मा स्वीकृते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु कर्ता या कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बैरन्तोरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टि ज्ञान चारित्र मुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे याथात्म स्वस्थित्व मात्मनो दर्शनं स्मृतम् यथावत् वस्तु निर्णीति सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथञ्चित् प्रमिते पृथक् दर्शन ज्ञान पर्याय सूत्रोत्तर भाविषु स्थिरमालंबनम यद्वा मध्यस्थम सुख दुःखयो जाता दिष्टाय मे कोई हम सुख दुखो न चापरा यतीदं भावना दाढ्यं चारुत्तमथवा परम यदि तन्मूल हेतु स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देशकालादि तपश्च वैरंगकं इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्तिदौस्थिते च शक्तिता आत्मानं भवेन्य नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगायते नीलीरक्ताम्बरे रागो दुराधेयो हि कौम कुआं ततस्तुम दोष निर्मुक्त्यै निर्मो भव सर्वता उदासीनत्वमाश्रित्त
तत्व चिंता परो भव हे उपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेता तदाप्याति तृष्णा निरालम्बो नियता स्वस्मिन् नुपे सावलम्बना तदाप्याति तृष्णावान् हन्त मा भूतत् भूस्त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रभूतिस्ते तावन् मोक्षं न यास्यसि मोक्षोऽपि यस्य न काङ्क्षा सा मोक्षो मदिगच्छति इत्युक्त्वा द्वितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योज्यते योज्येत् स्वं परं चेति वस्तुवित्तं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि चेष्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तते आत्मादीन पलेतात् यत्नं किं न करिष्यसि परं स्वं स्वं परं विद्धि च तत्रापि व्यामोहं चिन्ति किन्तु अनाकुलं स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वस्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मत् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्तमानन्दमममृतं पदम् इति स्वतत्त्वं परिभावचवान्मयं य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्मसंपदं स्वरूप संबोधन पंचविंशति। ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र ग्रंथ का पाठ हुआ। 26 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अकलंक देव की बेजोड़ रचना है। इस रचना के बारे में जितना जो कुछ भी कहा जाए वह कम होगा। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं प्रमेयत्वादि भी धर्मै। प्रमेयत्वादि भी धर्मै रचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शनतास् तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्माद् चेतना चेतनात्मका। फिर से सोदे क्या कहते हैं प्रमेयत्वादि भी धर्मई रचिदा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्मान चेतना चेतनात्मका। इस आत्मा के अनंत गुण है। तो देखिए आपको ये बताना चाहते हैं आचार्य श्री कि आत्मा में प्रमेयत्वादि भी गुण है और ज्ञान दर्शन गुण है। तो ज्ञान दर्शन गुणों की अपेक्षा से आत्मा चेतन है लेकिन प्रमेयत्वादि गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन है। जब आत्मा को अचेतन कहेंगे तो लोगों को थोड़ा सा विस्मय लगेगा कि जीव को तो सदैव चेतन कहा जाता है लेकिन जब वो चेतन की बात कहते हैं
तो हम लोग उस समय भूल जाते हैं कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। एक जैसे ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, माइक है, माइक है, माइक सिस्टम का, क्या ये माइक है, क्या ये माइक है, क्या ये माइक है, खबर एक या माइक है, फिर क्या ये माइक है, नहीं है, हम खोल के अलग कर दे रहे फिर भी चलेगा, कर दे, नहीं चलो कोई बात नहीं। यानी इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, तो माइक क्या है, इसकी मैग्नेट माइक है क्या, मैग्नेट क्या माइक है, नहीं है, मैग्नेट अगर माइक हो तो रखी रखी वो बोलने लगे, फिर माइक क्या है, लैपटॉप की क्या है, तुम्हारा लैपटॉप बैटरी लैपटॉप है क्या, बैटरी लैपटॉप है क्या, नहीं है, फिर अच्छा तुम लोग ये क्या लगाए हो, कैमरा लगाए हो, अब इस कैमरा का पट्टा कैमरा है क्या, नहीं है, फिर इस कैमरे का लेंस कैमरा है क्या, नहीं है, तो कैमरा क्या है, सबको मिला के ही तो कैमरा बनता है ना। इसी तरीके से एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं, उनमें भी आत्मा के भी अनेक गुणधर्म हैं, उनमें ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा चेतन है, और ज्ञान दर्शन को छोड़कर के जितने भी गुण हैं वो सब अचेतन हैं। सिर्फ दो ही गुण हैं चेतन, तो आत्मा चेतन आत्मक है कि अचेतन आत्मक है, एक प्रश्न, आत्मा चेतन है कि अचेतन, तो आत्मा के जब दो प्रकार के गुण पाए जाएंगे तो किसी दृष्टि से आत्मा चेतन है, ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से आत्मा चेतन है, किंतु ज्ञान दर्शन को छोड़कर के जितने भी गुण धर्म है वो सब अचेतन है। नींबू खट्टा होता है कि नहीं होता है, नींबू का छिलका, नींबू का बीज, नींबू की झिल्ली, ये सब कड़वी होती है। जब नींबू का बीज ही कड़वा होता है तो नींबू को कड़वा क्यों नहीं कहा जा सकता है, और नींबू का बीज इतना कड़वा नहीं होता है, भयंकर कड़वा होता है। आप लोगों ने कभी नींबू का बीज खाया होगा, आ ही जाता है कभी कभी धोखे से, वैसे तो नहीं खाते कोई भी, जानबूझ के तो कोई खाएगा ही नहीं। तो नींबू पूरा नींबू है, पपीता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पपीता क्या उसका बीज पपीता नहीं है, आप पपीता खरीदते कि बीज खरीदते सर, ए? बीज खरीदते क्या, बीज खाते हो, फिर खरीदते क्यों हो, खाते नहीं हो तो, अरे उससे कह दो बीज बीज अलग कर दो, पपीता पपीता दे दो, तोल दो हमें। तो एक वस्तु में अनेक गुण धर्म, इसीलिए आत्मा में भी ज्ञान दर्शन गुण है, इसलिए आत्मा चेतन है, और ज्ञान दर्शन गुण अगर निकाल दिया जाए तो आत्मा अचेतन हो जाएगा। अच्छा ये लाइट जल रही है, मान लीजिए ये लाइट जल रही, तो ये किस चीज से जल रही है, बिजली क्या चीज है, अच्छा ये मत बताओ जलता क्या है, इस बल्ब में या ट्यूबलाइट में जलता क्या है, फिलामेंट तो नहीं जलता, फिलामेंट बहुत अच्छा लगा है, लाइट नहीं हो तो
तो लाइट क्या चीज है? करंट का नाम इलेक्ट्रिकल्स, करंट का नाम लाइट है। यह जगमग जगमग करने वाली का नाम लाइट है। और करंट नहीं हो तो जगमग जगमग कैसे करेगा? और करंट हो और बल्ब नहीं हो तो जगमग जगमग कैसे करेगा? फॉल्ट करके इस पार्किंग करके रह जाएगी नहीं, जैसे कभी कभी स्पार्किंग करते ना तो वायर भी जल जाता है पूरा खत्म फर और इसके बाद क्या होता है? तो अपन ये कह सकते हैं एक वस्तु में, किसी वस्तु में, एक वस्तु में अनेक गुणधर्म है, उसी गुणधर्म की अपेक्षा से यहां पर कथन किया जाता है कि पपीता कड़वा होता है। जी सर, पपीता कड़वा होता है, छिलका भी, बीज भी कड़वा होता है, बीज भी कड़वा होता है, छिलका भी कड़वा होता है। अच्छा एक बात होता, बादाम कड़वी होती कि मीठी? मीठी भी होती। तो बादाम क्या है? छिलका बादाम है क्या? तो छिलका को खाओ। और छिलका बादाम नहीं तो बिना छिलका के बादाम कैसे रह सकती? इसी तरीके से एक ध्यान रखना, यही हमारा आज हमारे आचार्यों ने हमें उपयोग आत्मक आत्मा को बताया है कि आत्मा उपयोग आत्मक चेतनात्मक है लेकिन अचेतनात्मक भी है। ये अचेतनात्मक बताने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सारे अध्यात्म का अध्ययन ये कहता है कि आत्मा जीव चेतन होता है, जो चेतनात्मक होता जानन देखा नारा हुआ है आत्मा हमारा। जानने और देखने वाला ही हमारा आत्मा है, जो जानता देखता नहीं है वो आत्मा नहीं है। तो अग्र लघु गुण जानता देखता नहीं है तो वो आत्मा नहीं है, ऐसा कहेंगे क्या? प्रदेशत्व गुण नहीं हो तो ज्ञान टिकेगा क्या? अस्तित्व गुण न हो तो कहां ज्ञान टिकेगा? और अस्तित्व तो सब द्रव्यों का है, लेकिन अस्तित्व जो होता है वो जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पुद्गल में भी अस्तित्व है, पुद्गल का भी अस्तित्व, इस खम्भे का भी अस्तित्व है। अच्छा ये छत किसके ऊपर टिकी है बताओ? ये छत किसके ऊपर टिकी है? और बीम के ऊपर नहीं टिकी? अरे आप पिलर के साथ बीम अगर नहीं डले ना तो छत टिक नहीं सकती है, वहीं से बैठक ले जाएगी। कुछ समय के लिए तो अच्छे लगता है, बंदर जब तलवार लेता है तो बंदर का तलवार लेना कुछ समय के लिए मनोरंजन करा सकता है, लेकिन बाद में तो परेशानी दे सकता है ना। इसी तरीके से बिना बीमे की अगर छत टिक जाए ना तो कुछ समय के लिए तो अच्छी लगेगी लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। इस खतरे को जो लोग समझ लेते हैं, इसी तरीके से आप लोग इस बात के लिए समझ लेना और बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना कि आत्मा के अगर अस्तित्व नहीं हो तो ज्ञान और दर्शन कहां रहेंगे। तो अस्तित्व ज्ञान नहीं है, अगर अस्तित्व का ज्ञान हो तो ये दीवाल में भी अस्तित्व गुण है, तो ये दीवाल भी ज्ञान दर्शनमय हो जाएगी। दीवाल में प्रदेशत्व गुण है, आत्मा में प्रदेशत्व गुण है, जीव गुण है, जीव में इसमें चेतन गुण नहीं है, हमारे में चेतन गुण है, मगर चेतन गुण के सिवा और बहुत सारे गुण हमारे और इस दीवाल के बीच के एक से है। शरीर के गुण और आत्मा के गुण दोनों के बहुत सारे एक से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक चेतनात्मक गुण आत्मा के पास होने के कारण से आत्मा चेतन है और शरीर चेतन नहीं है। और आत्मा अचेतन भी है क्योंकि वह अचेतन से समानता रखता है।
कुछ गुण उसके अचेतन आत्मा की हैं, क्योंकि द्रव्य में 6 गुण होते हैं सामान्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अग्निलघुत्व, प्रदेशत्व। अब मॉडर्न साइंस से इन गुणों की आपके लिए मैं तुलना करके बताता हूं। एक फिजिक्स की परिभाषा है सीके जैन साहब, फिजिक्स में द्रव्य की परिभाषा क्या है आपने बहुत पहले पढ़ी होगी और निश्चित तौर पढ़ी होगी। तो उसमें क्या है, जिसकी सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है, जिसमें भार होता है और जिसमें जो किसी न किसी ज्ञान इंद्रिय का विषय होता है और जो क्षेत्र घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो जो आकृति बनती वो क्षेत्र से बनती, क्षेत्र बदलता रहता है उसका, तो आकृतियां बनती रहती हैं। तो 3 गुण इसमें मान लिए गए हैं। सत्ता कहने से अस्तित्व गुण माना गया, और उसका कोई ना कोई क्षेत्र होता है इससे प्रदेशत्व गुण माना गया, और ज्ञान इंद्री किसी न किसी ज्ञान इंद्री का विषय अवश्य होता है ऐसा कहने से उसके प्रमेयत्व गुण आ गया। तो ये 3 गुण तो स्वीकार किए गए, किसी न किसी ज्ञान का विषय जो होता है उसे प्रमेय कहते हैं, जिसकी सत्ता पाई जाती अस्तित्व पाया जाता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, और जिसमें क्षेत्र घेरने की क्षमता होती उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं, जिस कारण से द्रव्य का कोई ना कोई अपना क्षेत्र होता है और द्रव्य क्षेत्र को घेरता है उसे कहते हैं प्रदेशत्व गुण। ये 3 गुण आपके विज्ञान से एक परिभाषा से सिद्ध हो गए। एक लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल के अनुसार से हमारा द्रव्यत्व गुण सिद्ध होता है, जिसके कारण से द्रव्यत्व गुण से कहते हैं, जिसके कारण से द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रोव होता रहे उसे क्या कहते हैं, द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रोव होता है, और वस्तु जीव की त्यों रहती है, मूल रूप से नष्ट नहीं होती, मूल रूप से उत्पन्न नहीं होती, सिर्फ उसकी पर्याय परिवर्तित होते रहते हैं, ये द्रव्यत्व गुण। और अग्निलघुत्व गुण, न द्रव्य कम होता है न ज्यादा होता है, न ऊर्जा कम होती है न द्रव्यमान कम होता है, न ऊर्जा बढ़ती है न द्रव्यमान बढ़ता है, ऊर्जा प्लस क्या, तो जितनी ऊर्जा है उतना द्रव्य है, तो ये कम बढ़ नहीं होता है, ये अग्निलघुत्व गुण हो गया। अग्निलघुत्व गुण का मतलब होता है कि जिसमें द्रव्य ना कम होता है ना द्रव्य ज्यादा होता है उसे अग्निलघुत्व गुण कहते हैं। और अब बचा एक वस्तुत्व गुण, वस्तु की अवधारणा को वस्तुत्व गुण कहते हैं, कि जिसमें अर्थ क्रिया संपन्न हो, अगर वस्तु में वस्तु रहे और उसकी वस्तु की क्रिया ना हो तो वो वस्तु कोई काम की नहीं। जैसे आप चश्मा लगाए, मैं चश्मा लगाए हूं, दोनों के चश्मे एक से है ना, क्यों आप मेरा चश्मा नहीं लगा सकते, क्या लगेगा नहीं तो आप क्या कहेंगे, कहां का कांच आ गया। तो अगर कोई घड़ी बंद हो तो उसे घड़ी नहीं कहा जा सकता है, बंद हुई जो समय ना बताए वो घड़ी कहां, घड़ी तो वही होगी जो समय बताए, घड़ा तो वही होगा जिसमें पानी भरा जा सके, अगर पानी नहीं भरा जा सके तो वो घड़ा नहीं कहलाएगा, उसे क्या बोलते, कपाल बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं। एक मान लीजिए सुराही है और अपन ने सुराही की में खरीदी और नीचे से उसमें एक मिट्टी का टुकड़ा गिर गया, उसमें से छेद हो गया, तो अब वो जो छेद हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सुराही कहलाएगी, क्या नहीं कहलाएगी। तो सुराही तो जब है जब उसमें पानी भरा जा सके, पानी नहीं भरा जा सके तो वो कपाल टुकड़ा कहलाते हैं, घड़ा फूल गया, छोटा सा छेद हो गया, तो क्या घड़ा कहलाएगा, पानी भर ही नहीं रहा उसमें। तो इसी तरीके से एक बात का ध्यान रखना कि अगर आत्मा के जानने और देखने की शक्ति है तो आत्मा है,
लेकिन वो जानने और देखने की शक्ति सिर्फ दो गुणों के माध्यम से संपन्न होती है, एक ज्ञान और दूसरे दर्शन के माध्यम से। और ज्ञान और दर्शन अगर नहीं हो तो आपके उपयोग की शक्ति नहीं बनेगी, व्यापार चेतनात्मक व्यापार नहीं बनेगा, और चेतनात्मक व्यापार न बन पाने के कारण से वह अचेतन भी बन जाएगा। तो इसलिए वही आत्मा चेतनात्मक है और वही आत्मा अचेतन आत्मक है। वही आत्मा क्यों है, चेतनात्मक और अचेतनात्मक क्यों है, इसलिए है चूंकि उस आत्मा के क्या है, उस आत्मा के गुण में दो विभाग है, चेतनात्मक गुण है और अचेतनात्मक गुण। लेकिन पुद्गल में चेतनात्मक गुण नहीं है, वो किसी प्रकार से चेतन नहीं हो सकता है। आत्मा में तो चेतनता है इसलिए वो चेतन और अचेतन हो गया, लेकिन ये डेस्क, ये पुस्तक, ये सिर्फ अचेतन ही है, इसमें चेतन नहीं है। तो आत्मा की चेतनात्मकता और अचेतनात्मकता सिद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोग कहेंगे ये कैसे संभव है कि ये चेतन है और ये अचेतन भी है। तो इसीलिए अचेतन है क्योंकि आत्मा के बहुत सारे गुण है, अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में दो चेतन गुण है, बाकी के सब अचेतन गुण है। चेतन किसे कहते, चेतना कहते कैसे है और अचेतन किसे कहते हैं, नहीं सक्रिय तो सक्रिय की अपेक्षा से चेतन नहीं कह सकते। बताओ क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सक्रिय तो पुद्गल भी होता है। एक रसायन में है और उसमें उत्प्रेरक डाला जाता है तो वो सक्रिय हो जाता कि नहीं हो जाता है, क्रिया जल्दी चलती। जैसे मान लीजिए किसी चीज को लोहे को तपाना है, गलाना है, तो क्या डाल देते हैं उसके ऊपर से, एक तवा खीर आता है, उस तवा खीर को डाल देते हैं तो वो एकदम भभक उठता है, बहुत जल्दी गल जाता है लोहा। हाँ तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन उत्प्रेरक, तो ये उत्प्रेरक जो होते हैं वो उत्प्रेरक उस वस्तु में डालने के बाद सक्रियता बढ़ जाती, तो वो सक्रिय हो गया, तो पुद्गल सक्रिय हो गया। क्योंकि क्रिया कैसे कहते हैं, क्रिया सहित जो होता है वो सक्रिय कहलाता है। क्रिया क्या होती है, तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाले परिवर्तन को क्रिया कहते हैं। क्षेत्र से चेतनता होने वाले परिवर्तन को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, अंतस क्रिया और बाह्य क्रिया। तो अंतस क्रिया जो होती है वो बाह्य क्रिया और अंतस क्रिया। तो सोने को जब तपाया गया, उसमें केमिकल डाल दिया गया, जैसे मान ली सोने के बीच में एक केमिकल डाल दे, कौन सा केमिकल डाल देते, तेजाब डाल दो तो आग से गर्म नहीं करना पड़ेगा सोने को। पानी में तेजाब डाल करके सोने को साफ करते हैं लोग, हैं? हाँ, मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम को, और हवा लगते ही आग लगने लगती फास्फोरस में। तो ये सब सक्रिय है, पुद्गल पर सक्रिय है और आत्मा में सक्रिय है, इसलिए सक्रियता को चेतन नहीं कहेंगे जैन साहब। तो चेतन किसको कहेंगे फिर, जिसमें संवेदना और अनुभूति हो वो चेतन कहलाता है। वो संवेदना और अनुभूति पुद्गल में नहीं होती है, वो सिर्फ जीव में ही होती है। वो संवेदना सेंसिटिविटी, सेंसिटिव जो सेंस होता है वो पुद्गल में नहीं होगा। होगा क्या,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पुद्गल में से जो है ना जानने और देखने की क्रिया संपन्न नहीं होगी, चाहे कितनी भी कुछ। तो इसलिए आत्मा तो चेतन और अचेतन आत्मा दोनों बन जाएगा, लेकिन ये जो डेस्क है, ये चीजें, ये सिर्फ अचेतन आत्मा की, चेतन आत्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें संवेदना नहीं आ सकती। आत्मा के कुछ गुण, दो गुण में संवेदना है और बाकी के गुण में संवेदना नहीं है। इसलिए संवेदना के आधार पर ही चेतन अचेतन की बात कही जा सकती है। तो वो संवेदना, जैसे आप लोगों को पता हो, एक लजवंती होती है, वृक्ष लजवंती जिसे बोलते हैं, लजवंती बोलते हैं, उसमें उसके माध्यम से ही प्रोफेसर जीसी बसु ने, सर जगदीश चंद बसु ने, जिनका जन्म गिरडी में हुआ, हम उनका मकान देख के आए। सर जगदीश चंद बसु का गिरडी में जन्म हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके उपरांत उन्होंने एक बात की खोज की कि ये जो प्लांट्स हैं, इनमें सेंसिटिविटी होती है, ग्रोथिंग तो होती है पर सेंसिटिविटी होती है। और वो पता लगाने के लिए उन्होंने किस चीज को उपयोग किया? लाजवंती। लाजवंती में क्या होता है? उसके लिए जैसे उसको छुई मुई बोलते हैं अपने यहां, छुई और मुई, मुई माने मरी, उसके लिए छू लिया कि वो मर गई, और छोड़ दो तो फिर ज्यों की त्यों खिल जाती है, इसलिए उसे बोलते छुई मुई। तो छुई मुई जो होती है ना, उसमें एक अपनी सक्रियता होती है। हाँ, वो वृक्ष होते हैं वर्ण, तो ये जीव भक्षी होते हैं, जो उनमें जीव बैठा और वो बंद हो जाते हैं, उसका खून पूरा चूस लेते हैं। और ऐसी भी कुछ जंगलों में वनस्पतियां हैं जो आदमी अगर उनके पास से गुजर जाए, वो उसके ऊपर गिर जाएंगे, लपेट लेंगे और मर जाएगा आदमी। तो इसीलिए उसमें चेतना जिसमें होती है वो चेतन कहलाता है, और जिसमें चेतना नहीं होती है वो अचेतन कहलाता है। तो आत्मा में दो प्रकार के गुण हैं, चेतन आत्मक गुण भी है और अचेतन आत्मक गुण भी है। इसलिए आचार्य अकलंक देव ने कहा, प्रमेयत्व आदि जो गुण है वो अचेतन है, उन गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन है, और जो ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण, संवेदना से युक्त जो गुण है, उस अपेक्षा से आत्मा चेतन आत्मक है। और आत्मा चेतन अचेतन आत्मक हुआ सिद्ध। इस तरीके से आत्मा के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए, क्योंकि हम बहुत रट लेते हैं सोल 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 सोल। सोल माने आत्मा, और इस आत्मा में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास कहते हैं। वो आत्मविश्वास क्या होता है? तो आत्मा का विश्वास हो जिसके लिए, कि मैं अपने ऊपर जिसको विश्वास होता, अपनी स्वतंत्रता पर विश्वास होता, अपनी समानता पर विश्वास होता, अपने गुण धर्मों पर विश्वास होता है, अपनी सत्ता पर जिसको विश्वास होता है, वो अपनी सत्ता को पर विश्वास करने वाला ही आत्मविश्वास से संपन्न होता है। ये हमारा काव्य चौथा हुआ। कौन सा हो गया काव्य? चौथा। आज चौथा दिन हो गया स्वरूप संबोधन। इसका चौथे काव्य का अनुवाद किया गया है, वो अनुवाद इस प्रकार से कह रहा है। अनुवाद कह रहा है, आत्म ज्ञान दर्श मैं चेतन, देव जिनेन्द्र कहते अनुपम,
अन्न प्रमेय आदि गुण से तो आत्म रूप अचेतन सम। चेतन और अचेतन आत्म सत्य कथन चित जिन कहते हैं, अनेक रूप से यह आत्म है केवल ज्ञानी सब कहते, केवल ज्ञानी सब कहते। आत्म ज्ञान दरस मैं चेतन देव जिनेन्द्र सदा कहते, देव जिनेन्द्र कहे अनुपम। अन्न प्रमेय आदि गुण से तो आत्म रूप अचेतन सम। चेतन और अचेतन आत्म सत्य कथंचित जिन कहते, अनेक रूप से यह आत्म है केवल ज्ञानी सब कहते। ये हुआ अपना स्वरूप संबोधन स्तोत्र का चौथा श्लोक हुआ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्या सागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, जावणी के ज्ञान ते सूझ।